बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ में हसन भाई उर्फ हसन कानिया, उनकी फैमिली के कुछ यहाँ पर लोग मौजूद है। आइए उनकी जुबानी हम सुनते हैं कि आखिर में आज जो 1 से 1.5 बजे के बीच में जो मामलात हुए थे सेवड़ी रे जंक्शन के पास में, पूरा मामलात क्या था उनकी जानकारी लेते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राबिया है। राबिया जी, क्या हुआ था आज, मतलब हसन भाई के साथ में ऐसी क्या घटना हुई जो आपको पता चला? 1:30-2 बजे के टाइम पे कॉल आया कि ऐसा ऐसा आपके मामू को किसी ने मारा है करके। तो हम लोग की जानकारी के मुताबिक जैसे उनको मारे हैं और कोई 2 बचाने वाले थे वहां पर, तो जो बचा रहे थे ना उनको भी उन लोगों ने मारे कि आप आएंगे तो आपको भी हम लोग इस तरह मारेंगे करके। तो वो एक जन ने वो 2 को पकड़ के रखे थे और बाकी लोग ने मिलके उनको मारे, फिर भी वो जैसे तैसे अपने आप को वो करके हॉस्पिटल पहुंचे। हसन भाई के कारोबार के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो आप? उनको दारूखाने में क्या काम करते थे? वो स्क्रैप मर्चेंट थे। ओके। होलसेलर थे वो। हाँ, स्क्रैप उनका काम है कि वो स्क्रैप मर्चेंट थे। तो उनकी किसी से जाती दुश्मनी पहले? अभी वो तो हम लोगों को आइडिया नहीं है क्योंकि है ना अभी धंधे पानी में तो वो जगह ही ऐसी है, दारूखाना जगह ही ऐसी है कि हर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहते हैं। जो दुश्मनी रहती है वो अपने तक ही रखते हैं, फैमिली वाले को बताते नहीं है कि इससे दुश्मनी, इसमें इससे दुश्मनी है करके। तो अभी आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से क्या गुंजाइश करोगे? मैं बॉम्बे पुलिस कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप किसी भी तरीके से ये आरोपी को ढूंढिए और उन लोगों को फांसी की सजा दे दीजिए। जो कोर्ट जो सजा सुनाएंगी वो तो बेहतर है, मगर हाँ, मगर उन लोगों को अरेस्ट तो कीजिए कम से कम, क्योंकि सजा अगर आज इनको नहीं होंगे तो ये और किसी को भी मारेंगे, तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे और हर किसी को ऐसे ही मारने देंगे? सूत्रों के अनुसार पता चला था कि हसन भाई जो है मतलब अपने डेथ होने के पहले कुछ 2 से 3 नाम जो है वो बताए थे, तो उस बारे में कुछ जानकारी दोगे? आइए ना, इधर आइए ना भाई। क्या नाम आपका? क्या नाम? मोहम्मद आसिफ शेख। उन्होंने खुद अपने अपने जबानी से खुद नाम दिया, स्टेटमेंट भी दिया है पुलिस वाले को, लेकिन पुलिस वाले की कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे लग रहा है कि पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अभी तक। क्या नाम है? उन तीनों के नाम बताएंगे आप? एक का नाम है इकबाल, एक का नाम है आरिफ और एक का नाम है हुसैन। 3 जन का नाम बोले थे। एक मिनट। नहीं, पर वो तीनों को पकड़े हैं, तीनों को पुलिस ने अरेस्ट, नहीं तीनों को अरेस्ट किए है पुलिस ने और उन लोगों को से पूछताछ चालू है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मगर मैं चाहती हूँ कमिश्नर ऑफ मुंबई से कि ये अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द है ना हम लोगों को आरोपी सामने चाहिए कि कौन है ये आरोपी। सर, इसके बीच मैंने बयान लिए, उनको बोले जावे कि अच्छी तरह मतलब जानकारी कहीं ऐसा और भी किसी को किसी के साथ ऐसा ना करे। तो ये हमारी फैमिली के साथ में हुआ है, कल को किसी और की फैमिली के साथ में होगा। अभी जो है पोस्टमार्टम यहाँ पर जेजे हॉस्पिटल में जा रही है, हम जेजे हॉस्पिटल के अंदर ही खड़े हैं पोस्टमार्टम के वहाँ पर। टू दी वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज इंग्लिश हिंदी अलोंग विद बॉम्बे प्रेस। जैसे कि आप देख सकते हो आज हम आए जेजे हॉस्पिटल और ये पोस्टमार्टम यहाँ पे चालू है। पीछे अभी कुछ लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में सिवरी एरिया में एक भाई का मर्डर हो गया था। सबसे पहले वो भाई का क्या नाम था पूरा? नूर हसन। नूर हसन अब्दुल गफूर शेख नाम था। और क्या नाम बताया था आपने? क्या नाम से फेमस है? हसन काना नाम से फेमस है। तो हुआ ये था कि 3 लोगों ने उनके ऊपर चाकू से बेरहमी से ऐसा कुछ मतलब वार किया है जिनसे उनकी डेथ हो गई है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं एक्चुअल में क्या था पूरा मामला। हाँ, हम लोग आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम राबिया है, वो मेरे मामू है। हाँ, और हम लोग को फोन में आया कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, दुकान पर कोई 3 लोग आए और उनके ऊपर जानलेवा हमला किए। तो दुकान पर तो कोई था नहीं, जो दुकान के बाहर लोग बैठे थे वो बचाने के लिए गए तो उनको भी मारे, उनमें से फिर भी 2 जन उनको बचाए और जैसे तैसे मसीना हॉस्पिटल लेकर आए। मसीना लाए तक के वो ठीक थे, सांस चल रही थी, पर इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाने के बाद अचानक उनकी हार्ट बीट एकदम स्लो हो गई और आहिस्ते आहिस्ते यानी पूरी बॉडी में कहीं पे भी कोई जगह उन लोगों ने बाकी नहीं रखे उनको मारने के लिए। 3 बार पेट पे मारे जिसकी वजह से पूरी अतड़िया उनकी बाहर निकल के आई, फिर भी वो अतड़िया अपने हाथों से पकड़कर लेकर यानी पहुंचे जैसे तैसे। पूरी बॉडी ब्लड यानी इतना मारे उनको कार में, कहीं पे भी कार में यानी उनका ब्लड रुके ही नहीं और वो जगह पे ही खत्म हो जाए, इस बेरहमी से उन लोगों ने उनको
मारे हैं। अच्छा, जो मारा गया वो जगह का मतलब वो जो गली थी वो गली का नाम क्या एग्जैक्टली सिवरी में आता है? वो तो हम लोगों को नहीं मालूम है क्योंकि वो उनकी शॉप की उनके शॉप के अंदर हुई है ये। सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। और जैसे कि ये बता रहे हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो क्लियरली वहाँ पे देखा जा सकता है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस वाले अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो उनका चालू है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे फैमिली कितनी परेशान है, बहुत मतलब बेरहमी से उनका मर्डर हो चुका है। और लोगों को चाहिए कि फुल टू फुल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे हुए और जो आरोपी है उन लोगों को अरेस्ट करे है और जो है वो पूरा क्लियरली इन्वेस्टिगेशन करे, जरा भी भूल चूक नहीं करे ऑफिसर। एक सेकंड, अब आपका नाम, आपका नाम बोलिए। हाशिफी सरादन है वो, इनका नाम अनवर है, बड़ी भाभी है। अच्छा, आप उनकी कौन लगती थी? मैं भाभी हूँ, बड़ी भाभी। तो आपको मतलब ऐसा जो हुआ आज ये, तो आपको क्या लग रहा है क्या क्या होना चाहिए उसके साथ में? उसका साथ में फांसी होना चाहिए, जो मारे उनको तो फांसी होना चाहिए। बहरहमी से कोई नहीं मारता है, इतनी बहरहमी से नहीं रहने दो, दुश्मनी रहे, इतनी बहरहमी से कोई नहीं मारता है किसी को। पूरी बॉडी में कोई जगह उन लोगों ने बाकी नहीं रखे वार करने के लिए, हर एक जगह पे वार किए लोग, सर से लेके पैर के नाखून तक के। कमिश्नर से प्लीज हम लोगों को रिक्वेस्ट है ये मामले को अच्छी तरीके से तहकीकात करे हुए, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हम लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करे और आरोपों को है ना जल्द से जल्द। देखो पूरी फुल बॉडी पे वार किया हुआ है उनका, कोई जगह उनका बचा नहीं है। जितना हो सके एक बार बताइए मुझे, एक बात सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ी है कि उन्होंने अपना मरते वक्त अपने लड़के से बताया था कि जो लोगों ने मारा है उसमें तीन लोग थे, तीन लोगों का नाम बताया, उस बारे में क्या बोलेंगे? नाम तो हम लोगों को पता नहीं है कि किसने किसने मारा है। अभी पुलिस ने 2-3 जन को अरेस्ट किया है, उन बेस पे अरेस्ट किया है कि है ना शक पे अरेस्ट किया, वो हम लोगों को नहीं पता। 3 जन का लिए हैं। एक मिनट भाई, आपका नाम बताइए पहले। मोहम्मद आसिफ शेख, एक का नाम लिया गया है आरिफ, हाँ, और एक का नाम लिया है हुसैन और एक का नाम लिया इकबाल, ये तीन जन का नाम लिया है। जैसे कि भाई बता रहे उनके, आपके कौन लगते हो? मेरे चाचा लगते हैं। इनके चाचा है, जब अपना जब उनके ऊपर ये स्टेपिंग हमला हुआ और उनका मर्डर हुआ तो उन्होंने आखिरी टाइम पे अपने बेटे को बताया था ये तीन नाम जो नाम आपने बताया। हाँ, पुलिस को पुलिस को स्टेटमेंट देने वाले खुद मेरे अब्बा थे, ये तीन जन का नाम पुलिस को खुद मेरे चाचा ने दिए। अच्छा अच्छा, पुलिस को इनके मतलब चाचा ने खुद स्टेटमेंट में भी दिया ये तीनों नाम दिया, जिसमें से एक बंदे का नाम दिया और उसका लोकेशन बताया कि वो कहाँ रहता था। हाँ, और खुद अपने को अपने से ही शर्ट पहने नहीं थे, ये पहने थे गमछे से बांध के अपने आप को कार पे लेके आके खुद हॉस्पिटल मनसेना हॉस्पिटल में खुद आए। देखा आपने, सुना होगा कि लाइक कैसे उनका जो पूरी अतली भार आ गई थी अपने हाथ से, मतलब वो अपने पेट को ऐसा पकड़ के खुद मनसेना हॉस्पिटल आए थे, तो बहुत ही भाइयों बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है फैमिली के। और जो बचा रहे थे उनको भी पकड़ के मारे उन लोगों ने, बेरहमी से मारे जो बचा रहे थे, और जो बचा रहे थे ना उनको भी उन लोगों ने वार किए। अभी देखना यह है कि सिवड़ी पुलिस स्टेशन और मुंबई पुलिस कमिश्नर क्या एक्शन लेते हैं और कब आरोपी को पकड़ते हैं ठीक तरीके से, अभी वो देखना सिर्फ बाकी है। बॉम्बे प्रेस के साथ में टीवी ओशन के साथ में अमजद पठान, समीर शेख। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।